उत्तर प्रदेश हो या देश विदेश, लाइफस्टाइल हो या मनोरंजन जगत, हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें हमारे मोबाइल ऐप अलाइव 24 न्यूज को। कहते हैं पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी शिक्षा ले सकते हैं। कुछ ऐसी ही मिसाल पेश की है एक मंत्री ने, वो भी कोई अन्य मंत्रालय के मंत्री ने नहीं बल्कि एक शिक्षा मंत्री ने। दरअसल झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो राज्य की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ साथ अब पढ़ाई भी करेंगे। जी हाँ, उन्होंने 11वीं क्लास में दाखिला ले लिया है। बोकारो जिले के बेरमो प्रखंड अंतर्गत नावाडीह स्थित अपने ही देवी महतो महाविद्यालय में उन्होंने एडमिशन लिया है। दरअसल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने साल 1995 में चंद्रपुरा प्रखंड के नेहरू उच्च विद्यालय तेलो से मैट्रिक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पास की थी। इसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। शिक्षा मंत्री बनने के बाद लोग दबी जुबान में अक्सर ये मुद्दा उठाते थे कि 10वीं पास व्यक्ति कैसे शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालेगा। इसके बाद अब करीब 25 साल के बाद एक बार फिर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शिक्षा लेने की ठानी और ऐसा करके महतो ने देश की राजनीति में नई और सराहनीय पहल की शुरुआत की है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वो सारा काम देखते हुए सब कुछ करेंगे, क्लास भी करेंगे और मंत्रालय भी संभालेंगे, घर में किसानी का काम भी करेंगे ताकि उनके काम को देखकर अन्य लोग भी प्रेरित हों। वैसे एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव में दाखिल शपथ पत्र के अनुसार झारखंड में जगन्नाथ महतो के अलावा कई और मंत्री हैं जो 10वीं पास हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी 10वीं पास हैं। उम्मीद है कि ये मंत्री भी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से प्रेरणा लेकर नई मिसाल पेश करेंगे। बोला जाता है कि पढ़ने का कोई उम्र सीमा नहीं होता है, आप एक प्रेरणा के रूप में आज इंटरमीडिएट में एडमिशन लिए हैं, क्या कहना है? इसको हम साबित कर दिए हैं, पढ़ने का कोई उम्र सीमा नहीं होता है। और हमने पहले भी कहा, अभी भी कह रहे हैं कि जिस दिन हम शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ लिए थे उसी दिन कुछ लोगों को दिल में क्या लगा हम नहीं बोल सकते, लेकिन लोगों को आया कि 10वीं पास शिक्षा मंत्री क्या करेंगे। हम कुछ करने के लिए मेरा जज्बा है और उस जज्बा को बेहतर करने के लिए हम पढ़ेंगे भी और बेहतर पढ़ाएंगे भी झारखंड क्षेत्र में। मैट्रिक कब आप पास किए थे? हम मैट्रिक 95 में किए थे। अब मतलब शिक्षा लेने जा रहे हैं इंटरमीडिएट, क्या लगा शिक्षा जब जाइएगा क्लास रेगुलर करिएगा कि उसमें कुछ हो सकता है? देखिए हम सारा काम देखते हुए सब कुछ करेंगे, क्लास भी करेंगे, मंत्रालय भी संभालेंगे, जनता के भी काम करेंगे, किसान का भी काम करेंगे, सब काम करते हुए जनता को प्रेरित कर देंगे कि सभी काम करो। अभी आपने कहा कि जब आप मंत्री बने थे उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि 10वीं पास शिक्षा मंत्री बन गया है, तो कौन थे लोग, क्या उनके हम उनको कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, उस बात को टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, कौन क्या बोला नहीं बोला उसका जवाब, ये जवाब हम इंटर पास कर जाएंगे तो वही जवाब हो जाएगा। मंत्री जी एक चीज है, जिस तरह शिक्षा ग्रहण आप करेंगे, छात्र भी आएंगे, दो तरह की आप एक तो शिक्षा भी लेंगे पर क्या शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार के लिए? निश्चित तौर पर आज ही हम साइन किए हैं, अभी चाहिएगा तो हम दे देंगे आप लोग कॉपी। पूरे झारखंड में 4,416 विद्यालय मॉडल स्कूल के रूप पर आज ही साइन किए हैं और बेहतर शिक्षा के लिए किए हैं। बहुत जल्दी पूरे झारखंड में 4,416 विद्यालय खुलने जा रहा है। किस तरह का मॉडल? लीडर स्कूल, लीडर स्कूल के रूप में खुलेगा सारा व्यवस्था के साथ। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।